अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी और आज हम यहाँ पे मौजूद है कुछ फनी प्रोग्राम करने के लिए और हम लोगों से बात करते हैं कि उनके अंदर कितना फनी एलिमेंट है और कितने बात करते हैं। अरे भैया आवाज सुने, ये क्या चीज हो रही है। आइए हम फनी प्रोग्राम तो बढ़ गया लेकिन इनसे जरूर जानते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। कौन सा? मैं अपनी बीवी के लिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। चली गई है। क्यों चली गई? छोड़ के क्या मेकअप नहीं लेकर दिया, वो छोड़ के चले गए। बस जे? आपने उनको मेकअप ही नहीं दिलाया। मेकअप के लिए छोड़ के चले जाएंगे? हाँ मेकअप क्यों? देखो क्यों हम लोगों के साथ, आप देखो ना, मुझे मेकअप नहीं मिलेगा मैं कैसे बैठ जाऊंगी तैयार होके। हालात खराब हो गए हैं, मेकअप के लिए पैसे नहीं है, तो एक महीने बाद बेगम छोड़ के चली जाएगी। बेगम से बात करते हैं ना। कैसे बात करेंगे? आप पैगाम दीजिए ना, आप दीजिए उसको, बुलाइए उसको, बोलिए जी मेरे भाई की जो बेगम साहिबा है प्लीज वापस आ जाए। मुझे पता है कि मेकअप आपको नहीं लेके देंगे ये, फिर भी आप वापस आ जाए। मेकअप मैं लेके दूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं जरूर मेकअप लेके दूंगा। पता है आपको मेकअप में क्या क्या लगता है? कुछ चीजें पता है आपको? क्या चीज पता है मेकअप में क्या क्या यूज होता है? हाँ जी, लिपस्टिक बेस सब कुछ यूज होता है, मुझे जानता हुआ है ये सब चीजें। क्या आज उनकी कीमत डबल कीमत पे हो गई है? इसके जिम्मेदार कौन है? आप है। जितनी भैंस आपने लगाई अपने मुंह पे, जितनी लिपस्टिक लगाई है, इतनी महंगाई कैसे ना होती। 10-10 हजार रुपए का तो मुंह से जा लेते आप लोग, तो हम कहाँ से लेके आएंगे ये सब कुछ? भाई मेकअप तो मैंने किया, मुझे क्यों डांट रहे हो? तो सब जब मुझे कोई मेकअप वाला नजर आता है मुझे गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब आप सबको मारते हैं? नहीं मैं सबको नहीं मारता, ना मेरा हक है सबको मारने का, लेकिन समझा जरूर सकता हूँ कि मेकअप कम लगाओ। तो मेकअप कम लगाने से क्या होगा? हमारी ब्यूटी छुप जाएगी, हम नेचुरल ब्यूटी वाले लोग हैं। तो जो हमारी चीखें निकलती हैं वो आपकी क्या चीखें निकलती है? आपको इतनी प्यारी परी मिली हुई है, आपकी बीवी है इतनी प्यारी, आप जब मुंह धोते हैं तब भी चीखें निकलती हैं, जब मेकअप लगाती हैं तब भी चीखें निकलती हैं। मुंह धोने से आपकी असलियत पता लग जाती है और मेकअप लगाने से हमारी जेब का खर्चा लग जाता है। ना करें भाई ना करें, हमें मेकअप कर लेने दे प्लीज। तो अब हम रोना शुरू कर दे पगली, क्या करें? कर लेने दे प्लीज। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के पास ये राइट होना चाहिए, उनको मेकअप करना चाहिए। नहीं मेकअप करें, लेकिन कोई ऐसे मायके नाराज होके तो ले जाता मेरे। आप मेकअप लेके देते, आप मेकअप लेके देते वो मायके नहीं। मैं घर के सारे काम करता हूँ, सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, चुन्नू मुन्नू को तैयार करता हूँ, उनके पैंपर चेंज करता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ, एक मेकअप की खातिर छोड़ के चले गए? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना सकता, ये नहीं करना चाहिए। आप पे भूल जाओ ना, वो मेकअप आप लेके देंगे तो आए। क्यों नहीं लेके दूंगा? मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी टांगे दबाता हूँ, सर दबाता हूँ, हर तरह का ख्याल करता हूँ। हाथ तरस के मेरे कितने दिन से रो रहा हूँ मैं अपने बेगम के सर दबाने के लिए, हर चीज करने के लिए। आप मुझे बताएं, आप उनका सर दबाते थे फिर भी चली गई? फिर भी चली गई। मेकअप ऐसी चीज है, ऐसी मेकअप देखे ना, लड़कियों की नेचुरल ब्यूटी, लड़कियों की नेचुरल ब्यूटी ये देखे, हम मेकअप ना करें तो हम कितनी प्यारी लगती है। ये बेस क्या कमाल है सारा। नहीं ये नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी तो ये है, देखे काला रंग बिगड़ा, इसको नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। नहीं नहीं ये नेचुरल ब्यूटी नहीं, आप भी तैयार शर होकर आए, फेशियल करा के आप भी तैयार लगे। हम नहीं तैयार होके आते। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा दिन काम काज। मैं यहाँ लड़कों से भी जानती हूँ, पूछती हूँ कि भाई वो मेकअप करके तैयार होके फेशियल कराते हैं कि नहीं कराते। आइए हम पूछते भी हैं, लड़कियाँ मेकअप करा के ज्यादा प्यारी लग रही है कि लड़के? लड़के नहीं कराते क्या? लड़के मेकअप नहीं करवाते? क्यों नहीं कराते अपनी शादी पे? जी फेशियल करा रहे हैं, जी बेस लगवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, आईब्रोज बनवा रहे हैं। आपको कहाँ पे लग रहा है? मैंने 4 शादियाँ की हैं, कहाँ मेरी आईब्रो बनी हुई है, कहाँ मेरा फेशियल हुआ है, कहाँ मेरी चीजें हुई हैं। यार आप तो है ही रंडवे लग रहे शक्ल से, तो आपका क्या करूँ मैं? मैडम आपको नहीं पता, लोग लड़के जो है ना उनको चीजें छुपाना आती हैं। आप लोग चीजें छुपाती हैं मेकअप करके, बंदे के जेब में डाका डाल के। हम लोगों ने मेकअप, हमें ट्रिक आते हैं, हम लोग पूरा नहीं करके देना मेकअप। क्या बंदा क्यों मेकअप पूरा करके देगा? तो बंदे की जिम्मेदारी नहीं, वो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं कि खूबसूरत बच्ची दें आगे बंदे को, बंदे की रात की नींद उड़ा देती तो है। क्या बंदे की उस बंदे के माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं कि बंदे की शक्ल भी अच्छी दें हमें? तो कुड़ी वेख के बंदा वेख के ब्याह करना से ना, उस तरह कहते जी लव मैरिज है, मुझे इससे लव हो गया है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, तो बाद में आगे बंदे की जिंदगी में जहर डाल देती है। तो बंदे भी कुछ भी समझना चाहिए ना, आप उसके लिए अपना घर छोड़ कर आ रहे हो। बंदे के पुत्र नु तुसी पागल बना देंदे हो, तुसी पागल कुड़िया नु बना देंदे हो। वो तो हमारा काम है, लेकिन हम आते हैं शादी से पहले, जब शादी नहीं ना होती फिर इसको भी फसा, उसको भी फसा, उसको भी फसा, उसको भी फसा। वो हम लड़कियों को पागल बनाते हैं, हमें आदत है, लड़कियां खुद आधी तो पागल होती हैं।
एक उनको चाहेगा गप ला दो, वो कहती है ओए तुमसे अच्छा अच्छा तो कोई जानू ही कोई नहीं है, तुमसे अच्छा जानू मानू कोई नहीं है। फिर लड़कियों के नाकाम आशिकी ते विच मुंडे भी ते फिर पागल होंदे। पागल नहीं होंदे, मुंडा नहीं लब लैंदा है, नहीं लब लैंदा। आजकल बड़ी पाकिस्तान दी 52% आबादी कुड़ियां दी। हुण ए वेखो कि कुड़ियां नू छड्डो, ओदा मसला भी सुन लो। की हो गया भाई दा मसला? अस्सलाम वालेकुम भाई, परेशान ही लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजी, की होया? बुड्ढी वापस आए, बुड्ढी के कुड़ी बुड्ढी बीवी गई है के साजी बुला लो जुड़े ने आप ही दीजिए। अच्छा मैं ना एक आंटी के साथ खड़ा हूँ और मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, उनकी बीवी नाराज होकर चली गई है मेके। मेरी ना वैसे खुदा का वास्ता भाभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भाभी लगी ना हमारी, वो भाई हैं तो भाभी लगी हैं, और आप ये वो आंटी है जो कार तुरंती है। अच्छा तो भाभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खुदा का वास्ता, आप आ जाए भाई, आपके वजह से भाई का 25 किलो का मुँह था, 10 किलो का रह गया, उनका वेट कोई 80 किलो कम हो गया, 170 किलो वेट था, 80 किलो कम हो गया, तो आप खुदा का वास्ता है ये मेकअप आपसे मेकअप की वजह से भाग गई हैं। वो आपने मेकअप करके वैसे ही लग रहे हैं, बल्कि अंजदा लग रहा है, तो आपको खुदा का वास्ता आ जाए वापस, मेकअप करके सारी औरतें एक जैसी लगती हैं, रात को जब आपने मेकअप से मुंह धोना है भाई ने डर जाना है। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।